इनकी हालात देख लीजिए क्या है, इनको कमाने से फुर्सत नहीं है। अब जो हार गया उस पर क्या आरोप लगाना भाई। टॉम एंड जेरी जैसी है किच्छा के पूर्व और वर्तमान विधायक के बीच की चुनावी रंजिश, जो लगातार ही एक दूसरे पर जुबानी हमला करते रहते हैं। अब घोषित रूप से उन्होंने अपने पुत्र को अपना उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया है, ज्यादातर जगह उनके पुत्र जाते हैं। मेरा बेटा है, प्रतिनिधि है, मैंने उसको बना रखा, वो अगर जाता है गाँव में समस्याएं सुन रहा, काम कर रहा, तुम्हारे भतीजों परिवार की तरह तो नहीं कर रहा ना। सत्ता भले ही भाजपा की हो, लेकिन किच्छा से कांग्रेस के विधायक और भाजपा के पूर्व विधायक के बीच चल रही जुबानी जंग लगातार बढ़ती जा रही है। सीओ उनका, कोतवाल उनका, तो जब सारे अधिकारी उनके हैं, सरकार उनकी है, तो गलत काम किसके हो रहे हैं, कौन कर रहा है, किसके अधिकारी हैं, किसके नियुक्त कराए हुए हैं, किसके इशारे पे जाते हैं, किसके पैर छूते हैं वो अधिकारी, किसके घर पे गाड़ियां बाहर खड़ी रहती हैं हमेशा, सबको पता है। अब 2 साल लगभग होने को आ रहे हैं, हम तो इसलिए कुछ नहीं पूछते कि भाई जब हम पूछते हैं उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है, लेकिन वैसे उनका स्वास्थ्य ठीक है। ज्यादातर लोगों के बारे में धारणा सारे अधिकारियों को पता है कि बीमार है, ये कहीं जाते नहीं है। दोनों के बीच की ये जंग टॉम एंड जेरी की नूरा कुश्ती से कम नहीं है। हम पर तो तमाम इल्जाम लगाते थे कि परिवारवाद है, इनके भतीजे क्यों जाते हैं चुनाव प्रचार में, अरे तुमने तो पब्लिकली कह दिया कि मेरा बेटा चुनाव लड़ेगा मेरे बाद, खुद कहा उन्होंने, तो वो क्या कांग्रेस के हाईकमान है। आज ये सारे जो धंधे चल रहे हैं उसके पीछे कौन है, और उस समय क्या करते थे तुम्हारे परिवार के लोग, तुम्हारे भतीजे, तुम्हारे भाई, तुमने 4 जगह काम बांटे हुए थे, तुम्हारा भाई कुछ देखता था, भतीजे कुछ देखते थे, करते थे। अभी तो अगला चुनाव मैं खुद लड़ूंगा, जब अगर मेरा शरीर स्वस्थ रहता तो मैं लड़ूंगा, क्यों परेशान है। और अगर मेरा बेटा भी 1% लड़ेगा तो तुम तो भारे, वो तो तुम्हारा बच्चा ही है। तीखे सवालों के साथ आवाज 24 इंडिया के साथ देखिए खास बातचीत, देखिए राजेश शुक्ला का चुटकी भरे अंदाज में बेबाकी से जवाब, तो तल्ख तेवरों में बेहड़ का हमला। धामी जी के बहुत खास हम खास रहे, तो ये क्या लाए इन्होंने अपने पिताजी के नाम से, क्या कराया। तो इतने अनुभवी नेता है, जरा बताए की 1.5 साल 1.5-2 साल हो गया, एक ऐसी योजना बता दें बड़ी जो इस प्रदेश यहाँ के लाए हूँ। सिर्फ आवाज इंडिया पर, जल्द ही।